एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी के झूठे तंत्र के माध्यम से जो झूठ और मिथ्या फैलाई गई है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ईडी में बार बार लोकतंत्र की हत्या होती है, कभी राहुल जी को कभी सोनिया जी को बुलाकर सवाल पूछे जाते हैं। असलियत यह है कि ये सब ध्यान भटकाओ आंदोलन के प्रमुख हिस्से हैं, लेकिन मिथ्या क्योंकि फैलाई गई है तो सत्य भी बताना जरूरी है, झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। तीन बड़े झूठ फैलाए जाते हैं कि यंग इंडिया ने एजेल को टेक ओवर कर लिया है, झूठ। सोनिया जी और राहुल जी बहुत पैसा बना रहे हैं, झूठ। उन्होंने पैसे की हेरापत्ती की, झूठ। लेकिन मैं क्रमवार तरीके से आपको यहाँ पर मिथ्या और उसका सत्य बताना चाहती हूँ। एक सवाल उठाया जाता है कि यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनी ही थी। अच्छा सवाल है, इसका जवाब जानना जरूरी है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी थी, एक ऐसा अखबार निकालती थी नेशनल हेरल्ड, जिसका जन्म जवाहरलाल नेहरू जी, रफी अहमद किदवई जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ऐसे आजादी के शूरवीरों के कारण हुआ था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि आजादी के आंदोलन के वक्त हमारी आवाज को दिखाने का काम कोई भी अखबार नहीं कर रहा था और यही जरिया बना था। इसको ब्रिटिश हुकूमत ने बैन भी किया था, वही काम आज कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिश के वंशज नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। एजीएल में तमामों ऋण इकट्ठा हो गए थे और एजीएल बंद होने की कगार पे हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2011 के बीच में 100 ट्रांजैक्शंस के माध्यम से, और ये सब चेक्स थे, ये सब बैंक ट्रांजैक्शन थे, ये सब नोटेड है, के माध्यम से एजीएल को 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया। ये ऋण वीआरएस ने पीएफ के लिए, ग्रेच्युटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, टैक्स अदा करने के लिए यूज किया गया। ये 90 करोड़ का बिल था, इसलिए एजीएल को ये दिया गया था कि एजीएल का निर्वाह होता रहे। लेकिन क्योंकि एजीएल के बुक्स पर, एजीएल के पास इतना ज्यादा ऋण हो गया था, वो मार्केट से क्रेडिट नहीं उठा सकती थी, वो कोई तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती थी, ऑपरेशंस रुक चुके थे, इसलिए एजीएल के ऋण को, एजीएल के डेट को इक्विटी में ट्रांसफर करके एक नई कंपनी यंग इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा करना सामान्य है। टाटा स्टील ने भी थोड़े दिनों पहले भूषण स्टील खरीदा है, सरकार की एनसीएलटी ने खुद भूषण स्टील के ऋण को इक्विटी में ट्रांसफर करके इसको संभव किया है। ये और अब ये दूसरा मत है कि यंग इंडिया ने टेक ओवर कर लिया, नहीं। यंग इंडिया के पास एजीएल का ऋण जो इक्विटी में कन्वर्ट होकर गया वो गया, उसके चार शेयर होल्डर, वो चार शेयर होल्डर कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी, तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑस्कर फर्नांडिस जी और तत्कालीन उस टाइम के ट्रेजरर मोतीलाल वोरा जी। यंग इंडिया सेक्शन 25, जो पुराना कंपनीज एक्ट होता था उसका सेक्शन 25, जो नया कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 8 की एक कंपनी है। ये समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से मिथ्या शुरू होती है। सेक्शन 25 की कंपनी में एक भी पैसे का मुनाफा, डिविडेंड, सैलरी, रेम्यूनरेशन कुछ भी शेयर होल्डर को नहीं मिल सकता। एजीएल के करीब 700 शेयर होल्डर थे, उन सब ने अपनी सहमति दी जो प्रेजेंट और वोटिंग थे, उसके बाद ही ये डेट ऋण में ट्रांसफर हुआ और यंग इंडिया के भी एजीएल का एक और शेयर होल्डर बन गया। अब ये बात इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी शेयर होल्डर जरूर है, लेकिन उनके पास यंग इंडिया से एक भी पैसा नहीं आ सकता क्योंकि वो सेक्शन 25 की कंपनी है। कल को अगर यंग इंडिया बंद भी होती है, वो पैसा राहुल जी या सोनिया जी को नहीं जा सकता है, वो सेक्शन 25 की ही एक कंपनी को जाएगा। ट्रस्ट करने की चीज है। तो जो झूठ बोलते हैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहिए कि अगर पैसे का गबन ही करना था तो सेक्शन 25 की कंपनी को क्या करेंगे। मूर्खता की बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहनी जरूरी है और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फैलाया जाता है कि यंग इंडिया ने टेक ओवर कर दिया। बिल्कुल नहीं टेक ओवर किया। जो एजीएल के एसेट्स है, जो एजीएल की प्रॉपर्टी है, वो आज भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की है। जो उनकी बिल्डिंग से अगर कोई रेंट आता है, कोई इनकम आती है, उसको एजीएल इस्तेमाल करता है, वो यंग इंडिया के पास नहीं जाती है। तो यंग इंडिया के पास ना जाना सबसे बड़ा मिथ बस्टर है। एक और यहाँ पे मिथ तोड़ना जरूरी है। मान लीजिए इनकी इस बात को हम मान भी ले कि हमने एसेट ट्रांसफर कर दिए,
अगर मेरा एसेट आपको ट्रांसफर होगा तो कहीं पर तो खसरा खतौनी म्यूटेशन कुछ होगा, ऐसा कुछ भी एजीएल से यंग इंडियन में नहीं हुआ और यंग इंडियन से किसी भी शेयर होल्डर में नहीं हुआ। तो कोई एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ है, एजीएल की प्रॉपर्टीज इसकी है, एजीएल की इनकम इसकी है। एक और मिथ फैलाया जाता है और इस मिथ का बस्टिंग करनी जरूरी है। ये बोला जाता है कि 2,000-5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर दिया। पहले तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं किया गया। दूसरा, ये 5,000 का फिगर आता कहां से? क्योंकि इनकम टैक्स के अपने रिटर्न रिकॉर्ड्स में एजीएल की कुल प्रॉपर्टी 359 करोड़ की है। तो ये जो ख्याली पुलाव भाजपा के मंत्री और प्रवक्ता और उनका दुष्प्रचार सिस्टम फैलाता रहता है, ये कहां से आता है, ये समझना भी यहां पर जरूरी है। असलियत तो ये है कि ऋण ट्रांसफर होने के बाद, लाइफलाइन मिलने के बाद, आज एजीएल सक्सेसफुल अखबार निकाल रहा है, नेशनल हेरल्ड और नवजीवन, उसकी प्रतियां निकलती है, वेबसाइट है जहां पर 80 मिलियन पेज व्यूज है, 18 मिलियन यूनिक विजिटर्स हैं, कौमी आवाज नाम की एक वेबसाइट चलाता है। तो पूरी तरह से एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो चलाना चाहते थे नेहरू जी और रफी अहमद कुर्वे जी और पुरुषोत्तम दास पंडित जी, वो आज चल रहा है, क्योंकि उस समय भी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी था, आज भी है। मैं आशा करती हूँ जिस तरह का झूठ परोसा जाता है मोदी जी के तंत्र द्वारा, उसका पर्दाफाश हुआ होगा, क्योंकि वो पर्दाफाश होना जरूरी है। ये आजादी के आंदोलन की बहुत बड़ी धरोहर है और जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया, तिरंगा 52 साल तक नहीं फैलाया, वो नहीं समझ सकते हैं कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नेशनल हेरल्ड को जीवित रखना उतना ही जरूरी है जितना अपनी आजादी का उत्सव मनाना। धन्यवाद।